नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद मिली करारी हार के बाद आरजेडी के लिए काफी मुश्किल हो गई है। अभी वो सदमे से उबर भी नहीं पाई है कि पार्टी में कमान को लेकर आए दिन विवाद बढ़ता जा रहा है। वहीं पार्टी के सीनियर तेजस्वी यादव के मौजूद ना रहने से भी यह मामला काफी बढ़ गया है, क्योंकि हुआ यह कि पार्टी को लोकसभा में मिली हार के बाद किसी ने भी हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली और अब पार्टी बिना नेतृत्व के हो गई है, जिसके वजह से पार्टी के कार्यकर्ता भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो तेजस्वी यादव ने मीडिया को बताया कि ये बहुमत एक षड्यंत्र का हिस्सा है और फिर उसके बाद से वे बाहर चले गए, फिर पूरे टाइम अभी तक गायब ही हैं। वहीं आरजेडी के द्वारा आयोजित 3 जून को इफ्तार पार्टी में भी वो शामिल नहीं हुए, इसको लेकर भी सवाल खड़े होते रहे। वहीं तेज प्रताप यादव उस पार्टी में पूरे टाइम मौजूद रहे। अब फिलहाल जबकि सारी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई दिखाई दे रही है, वहीं आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव के नदारद होने से पार्टी से सीनियर नेताओं को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे की क्या रणनीति तैयार होगी और पार्टी का नेतृत्व कौन संभालेगा, पार्टी आखिर किस प्रकार आगे बढ़ेगी, ये भी बताने वाला अभी कोई नहीं है। तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा राजद को। राजद में तेज प्रताप यादव अभी पूरी तरह एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप की भूमिका को लेकर यह भी माना जा रहा था कि क्या लालू यादव ने लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेज प्रताप यादव को नेतृत्व आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। वहीं तेजस्वी यादव को इफ्तार में शामिल नहीं होने के कारण राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव को बीमार बताया था। अब आरजेडी की छात्र इकाई की बैठक तेज प्रताप यादव के नेतृत्व में होने जा रहा था आज ही के दिन, लेकिन अचानक तेज प्रताप यादव के तबीयत खराब होने के कारण वह प्रदेश कार्यालय नहीं गए, जिसके वजह से आरजेडी की छात्र इकाई की बैठक स्थगित कर दी गई। इसमें छात्र राजद का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था। अब यह बैठक तेज प्रताप के आवास पर होगा। इन सारी बातों को लेकर अब सवाल यही उठता है कि क्या लालू यादव अब चुनाव में मिली बुरी तरह से हार के कारण अब तेजस्वी यादव की जगह तेज प्रताप यादव को आगे का नेतृत्व संभालने के लिए हरी झंडी दे चुके हैं और अब तेजस्वी के पीछे करके और तेज प्रताप यादव को आगे की नेतृत्व संभालने का इजाजत मिल चुका है या नहीं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि तेजस्वी पूरी तरह से चुनाव के बाद से अभी तक नदारद है। वहीं तेज प्रताप यादव हरेक मोर्चे पर कमान संभाले हुए हैं। इसको देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप को अब आरजेडी में आगे किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।